साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, माँ विद्यालय के सामने से गंदा पानी हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, नवल गणेश जी हम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नवल गणेश जी हम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, इंकलाब जनाब का, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सफाई जनाब का, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मेरा बोल रहा था तेरी बात रख पुष्पेंद्र सुनील बैठ जा, विद्यार्थी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे महाविद्यालय के सामने कई दिनों से शहर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। ये गंदा पानी पूरी शहर का गंदगी जो हमारे महाविद्यालय के सामने छोड़कर ये नवलगढ़ प्रशासन ये समझता है कि महाविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी लावारिस है, वो उसके पास कोई बोलने वाला नहीं है। हम इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी लावारिस नहीं है। हम आपका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमने इस गंदे पानी की समस्या के लिए जिले के कलेक्टर को भी अवगत करा दिया था, नवलगढ़ एसडीएम को कई बार अवगत करा चुके हैं और ईओ साहब का दो बार घेराव कर चुके हैं, लेकिन बदले में हमें मिलता क्या है, तारीख पे तारीख मिलती है, 30 तारीख को दे देंगे, उस तारीख को दे देंगे। जब कोरोना जैसी बीमारी देश में चल रही थी उस समय हमारे साथी महाविद्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे, उस समय हमारे जो तत्कालीन एसडीएम थे वो मौके पर जाते हैं और विद्यार्थियों को गुमराह करके वहां से उठाने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम लिखित में देते हैं, एक महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक महीना नहीं, 5 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक विद्यार्थियों को कोई समस्या, हमारी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ है। आप लोग वहाँ महाविद्यालय में जाते हैं, आप अच्छी शिक्षा लेने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन बदले में हम वहाँ से क्या लेके आते हैं, बदले में हम वहाँ से अनेक जानलेवा बीमारी लेके आते हैं। साथियों, ये जो नवलगढ़ एसडीएम है इसके ऊपर, उसके काम के ऊपर अभी तक जो रंग नहीं रंगी है, नवलगढ़ के जो ईओ है नगर पालिका के, उसके पास जाते हैं तो कह देता है अभी भेजते हैं, 2 टैंकर वहाँ भेज देता है और पानी खाली करवा देता है। उसके बाद हमें बेवकूफ़ समझता है कि विद्यार्थी तो चले गए, हमने 2 टैंकर पानी करवा दिए। हम इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एसडीएम साहब, आज हम आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पर आए हैं, हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे,
जब तक हमारी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा साथियों। सही है। ये लड़ाई किसी एक विद्यार्थी की लड़ाई नहीं है, ये तमाम विद्यार्थियों की लड़ाई है जो महाविद्यालय में दूर दराज गांव से शिक्षा लेने के लिए आता है। साथियों, आप तमाम महाविद्यालय के विद्यार्थी हो, आपको पता है कि महाविद्यालय में कौन से विद्यार्थी का एडमिशन होता है। उस विद्यार्थी का एडमिशन होता है जो विद्यार्थी सीनियर के अंदर 80-85-90% अंक लाता है, उसका एडमिशन होता है। साथियों, लेकिन वहां पर जब जाते हैं हम अच्छी शिक्षा लेने के लिए, नवलगढ़ का जो प्रशासन है वो हमें तो एक तरह का फुटबॉल समझ रखा है कि जब भी हम उसके पास समस्या को लेकर जाते हैं तो कभी इधर उछाल देते हैं, कभी उधर उछाल देते हैं। साथियों, जो हमारा महाविद्यालय है उसके पीछे शहर का गंदा कचरा डालने का काम नवलगढ़ की नगर पालिका और यह SDM साफ करते हैं। और जब सामने की बात करते हैं तो सामने शहर का गंदा पानी छोड़ा जाता है, हमें तो बीच में ले रखा है। साथियों, ये लोग हमें मारने का काम करना चाहते हैं। साथियों, ये लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर विद्यार्थी नहीं जाए, अच्छी शिक्षा नहीं ले, क्योंकि जब विद्यार्थी अच्छी शिक्षा लेगा और अच्छे मार्क्स से वहाँ पास होगा तो वो इस सरकार से, इस प्रशासन से सवाल करेगा कि मेरी नौकरी कहाँ है। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ले। साथियों को बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे बीच में SDM साहब नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। SDM साहब सुन रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा स्थायी समाधान नहीं होगा, अन्यथा हम यही से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। साथियों, नवलगढ़ नगर पालिका का दो बार घेराव कर चुके हैं साहब, लेकिन जब हम घेराव करने जाते हैं
तब तो वहाँ से दो टैंकर लाते हैं और पानी खाली करते थे, बच्चों को गुमराह करते थे। अब ये बच्चे साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और कला के विद्यार्थी, सब गवर्नमेंट कॉलेज में उस विद्यार्थी का एडमिशन होता है जो विद्यार्थी 80-90% लाता है। आज वो क्लास छोड़ के यहाँ पर क्यों बैठे हैं, समस्या है उनके साथ, और आपके जस्ट पास में ही है समस्या। और हमें धरने पर से अनिश्चितकालीन जब धरना दिया था, हमें लिखित में दिया गया था, वो लिखित रह गया क्या जनवरी तक हटा देना, क्या मतलब विद्यार्थियों ने गुमराह करके धरना से उठाया। तो मारो तो कहना है साहब के हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। कताक दिन भी बीमारी में रवाना गेलने थे, दौरा करो साहब, बड़े गेलने गाँव का कचरो गेरे सब। कोरोना में एक तरफ तो आपका प्रशासन कलेक्टर साहब गाइडलाइन जारी करते हैं, लेकिन उस गंदे पानी से जो समस्या होती है, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी नहीं होती क्या? ठीक है सर, मैं तो आगे बोली बात बता दी, समस्या सबसे बड़ी है, सबके सामने पत्रकार सारा साथी खड़े हैं, मैंने पूछ लो नवलगढ़ की सबसे बड़ी समस्या, लेकिन भी तरफ कोई देखा कौन जा रहा है, बताओ समझ रहा है कि विद्यार्थी लावारिस है? बिल्कुल साहब आप गलत फहमी काट दीजिए, विद्यार्थी लावारिस नहीं। तो सर आपने भी मौका देख के आए थे, उसके बाद आपने कार्रवाई की क्या उस पर? मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अभी फिलहाल तो वहाँ टैंकर से खाली कराने किया जा रहा पानी, ये हो सकता है कि डेली खाली नहीं हो पा रहा होगा, सुनो मेरी बात, ये पॉसिबल है डेली खाली नहीं हो पा रहा होगा, हम ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ पानी भरा हो डेली खाली हो, हम ये कोशिश करेंगे। सुन लो अभी मेरी बात नगर पालिका से सीवर लाना काम चल रहा है, वो 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा, जब सीवर लाना पूरा हो जाएगा तो समस्या समाधान हो जाएगा, तब तक के लिए वहाँ टैंकर के माध्यम से उसे खाली अभी भी कर रहे थे, रेगुलर नहीं हो रहा होगा। हम जाके आए थे लगभग 15 या 16 तारीख को गिराव किया था, 15 तारीख का, उस टाइम पे भी हमें यही समझौता हुआ था कि हम रोज टैंकरों से 4 या 5 टैंकर खाली करवाएंगे, हमने रोज कॉलेज आते हैं, हम 3 दिन टैंकर आए हैं, उसके बाद हमने कॉल किया तो बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये चीज़ हम इंश्योर करेंगे भाई। फिलहाल तो उसकी व्यवस्था यही है कि उसका टैंकर से खाली हो जाए वो, और हम ये इंश्योर करेंगे कि टैंकर से पर डे खाली हो। जब सुनो जब तक, और जब उसका जो स्थायी समाधान है वो है इसका, ये जो सिविल लाइन बन रही है वो सिविल लाइन, मेरी बात अभी बात हुई है मेरी नगर पालिका से, मेरी अभी बात हुई है, नगर पालिका ने कहा है मुझे अगले 4-5 महीने वो काम काफी तक कम्प्लीट। सर एक मिनट, सर जब हम पिछली बार जब कोरोना काल में वहाँ पर अनिश्चितकालीन विद्यार्थी धरने पे बैठे थे, तब नगर पालिका और तत्कालीन SDM साहब आ गए थे और उन्होंने ही समझौता करके विद्यार्थियों को कहा था कि जनवरी लास्ट तक हो जाएगा, इसलिए वो विद्यार्थियों को गुमराह करके आते थे। चीजें कुछ हमारे हाथ में नहीं होती है, कोरोना अचानक आ गया, कोरोना के कारण चीजें बस ही लेट हो गई है। नहीं सर, कोरोना के कारण, अरे बात की बात नहीं हुई, कोरोना के कारण चीजें बस ही लेट हो गई हैं, सारी स्कीम लेट हो गई हैं, और पैसा नहीं, सरकार ऊपर से पैसा नहीं आया, काम बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, तो कोरोना के कारण। ये बताओ कि हम उस गंदे जब मैंने मैंने कहा भाई तकलीफ है, तकलीफ हम मना नहीं कर रहे, तकलीफ का फिलहाल जो समाधान है वो ये हम बता रहे हैं आपको कि पर डे हम कोशिश करेंगे कि टैंकर से खाली हो। सर पर एक चीज़ ये बताओ हमको, जो पानी रोज जनरेटर से वहाँ पे डाला जा रहा है, हम ये चाहते हैं उसको बंद कर दो, दूसरी जगह सप्लाई दे दो उसकी, ये तो पानी अपने आप सूख जाएगा। सर ये तो आप कह रहे हो ना कि रोज पानी सप्लाई ना कर दो, ये बैठे महाविद्यालय के बच्चे उनसे बात करो, सहमत है नहीं 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 कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन नेतागिरी नहीं करेंगे, इतने दिन पहले क्या बात मेरे को व्यवस्था नहीं कर सकता, जो मैं कह रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ हम ये इंश्योर करेंगे पानी खाली होगा वहाँ, ये इंश्योर करेंगे हम, जब तक जो पाइपलाइन डल रही है
वो जो डलेगी उसमें टाइम लगेगा जो लगेगा वो। जिस दिन हमने समझौता करके आए थे ना यो साहब से, सब पत्रकार साथी वहीं पे थे। जब मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कोरोना की वजह से चीजें कई बार लेट हो गई, कई बार सर वो ये सही है, टैंकर भी लेट हो जाता है, होता कई बार चीजें हम लगातार भाई पहले मॉनिटरिंग कमी रह गई होगी, हम ये इंश्योर करेंगे आगे चीजें नहीं आएंगी, ये मैं लगातार कह रहा हूँ ये बात है। मैंने मान लिया भाई जो होगी हम बात करेंगे, मैंने कहा ना आपको जो होगा हम बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पानी टैंकर से रेगुलर निकलता रहे, इसका यही उपाय है। और सुनो मेरी बात, रुको मेरी बात, और कोई उपाय मुझे बता दीजिए उपाय मेरा। सर हम ये उपाय तो यही है, तो फिर कह रहा हूँ आपको मैं, जो पानी जनरेटर से वहाँ पे डाल रहे हो वही आप टैंकर से वापस उठाओगे, तो वो जनरेटर से जो पानी डाल रहे हो यहाँ बैठ बात हो जाएगी, उसके लिए बात करनी पड़ेगी, अल्टरनेट व्यवस्था कर दो ना साहब, उसके लिए उन्हें बात करनी पड़ेगी ना, ये बात हो जाएगी वो अल्टरनेट व्यवस्था करो। मैं कह रहा हूँ जब बुलाऊंगा एक महीने पहले मान लिया, मैंने मान लिया, मैंने ज्ञापन लाइए एक महीने पहले भी सर आपके पास आके गए थे, तो उसके बाद टंकी चालू हुआ है, मैंने पास मैंने लिया मैंने टैंकर द्वारा मेरा फोटो भी उस चीज़ की, हाँ ये मानता हूँ मैं कई वहाँ डेली नहीं हो रहा हुआ, ये पॉसिबल है डेली नहीं हो रहा हुआ, ये मैं डेली के बाद टैंकर आए थे, हमने उनको कॉल भी किया है फिर भी नहीं आ रहे हैं, और मैं शो करेगा डेली आगे से आना, वहाँ पीछे ना कचरा ना, उससे मरे हुए फसलों की बदबू आती है, और आगे ना बदबू ऐसी आती है कि वहाँ से गुजर भी नहीं सकता कोई व्यक्ति, अब हम वहाँ तो चलते वहाँ बैठते आठ मिनट अरे बंद आंदे लगे जिंदा ले ले टैंकर पूछ को दे रहे मेरा आइटम पूछ को दिखाते अभी आप दे दो सर बॉस वो दो एक दिन का नाम सर करो सर बहुत ज्यादा पहले फ्री है टैंकर 10 मिनट खड़ा नहीं रहा देख लो कंट्रोल दिया रहा विज्ञापन तो दे दिया सर, लेकिन वे अंदर क्या है ना कि वहाँ पे समुंदर है, समुंदर के अंदर दो बाल्टी निकालने से कुछ नहीं होता है, इतना पानी इकट्ठा हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी खाली नहीं हुए हो गया तो ये कभी को काम चल रहे है, नगर पालिका से बात हुई है, और जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक रोज टैंकर आऊंगा बड़े पानी काट वाला, टैंकर आज अपने पानी लेके आना, और एक दो महीना में स्थायी समाधान हो जाएगा, पानी न काटे फाट आवागा रोज में एक क्लास गुरुजन का रक्षा ले लेंगे। मैंने 2 बजे रात को मैंने पानी